सोयल साइंस से संबंधित कुछ आवश्यक क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक है, नियंत्रित स्थिति में किसी मृदा स्तंभ से जल टपकन एवं लीचिंग क्रिया द्वारा हानि का आकलन किसके द्वारा करते हैं? तो इसका सही आंसर है लाइसीमीटर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का चालन मृदा में मुख्यतः इस क्रिया द्वारा होता है। इसका सही ऑप्शन है प्रभा विधि द्वारा, यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, असंतृप्त मृदाओं हेतु डार्सी के नियम के अनुसार द्रव चालित प्रवाह इस पर निर्भर करती है। इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, जल की मात्रा पर। टेंसियोमीटर का प्रयोग इस मैट्रिक क्षमता की सीमा तक किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है 0.08 बार। शुष्क मृदा की विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी ग्राम में होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम। विस्तृत द्विस्तरीय की मोटाई कम होती है। इसका आंसर है आयन संयोजकता बढ़ाने पर इसकी मोटाई जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QI संबंध का अवरोध दर्शाता है। तो ये क्षमता घटक दर्शाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इस समूह के यौगिक सर्वाधिक तीव्रता से अपघटित होते हैं। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो सर्वाधिक तीव्रता से अपघटित होते हैं। सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में जैविक कार्बन का स्तर सूचकांक है। तो ये नाइट्रोजन स्तर का सूचकांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ले लैटिस के समरूपी प्रतिस्थापन विकसित करता है। ये स्थायी आवेश। इसका सही आंसर है स्थायी आवेश। अगला क्वेश्चन है, जलमग्न अवस्था में मृदा का रेडॉक्स विभव हो जाता है। तो ये डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका। जीटा विभव में वृद्धि इस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, फैलाव या डिस्पर्शन से। अगला क्वेश्चन है, एस्परजिलस जीवाणु है। तो एस्परजिलस जो जीवाणु होते हैं वो एसोसिएटिव नाइट्रोजन स्थिरीकृत जीवाणु होते हैं। इसका ऑप्शन सी होगा। अरवेस्कुलर माइकोराइजा इसके अवशोषण में सहायक होता है। तो जो अरवेस्कुलर माइकोराइजा है वो निम्नलिखित सभी के अवशोषण में सहायक होता है। उपरोक्त सभी आंसर होगा। पोटेशियम निर्धारण के लिए उपयोग किए जाने वाला संयंत्र है। तो इसका सही आंसर होगा फ्लैम फोटोमीटर, फ्लैम फोटोमीटर भी ऑप्शन। मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या गहराई के साथ कम हो जाती है। इसका सही आंसर होगा बी। रासायनिक विनाइट्रीकरण पाया जाता है, यह हमेशा अम्लीय मृदाओं में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी।
मृदाओं में एंजाइम के स्रोत होते हैं। तो मृदाओं में एंजाइम के स्रोत होते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं, वृक्ष भी होते हैं, मृदा जीव भी होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त डी। कपास के लिए काली मिट्टी का मृदा गढ़ होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी वर्टिसॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDTA का पूरा नाम। तो इथाइलीन इथाइलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड अम्ल। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।